नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के इस छोटे से प्लान के साथ। 16x40 स्क्वायर फीट में, इसको 640 स्क्वायर फीट में 2 BHK हॉस्पिटल यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, बहुत ही कम स्पेस है, फिर भी यहाँ पर 2 BHK डिज़ाइन किया गया है। एंट्रेंस की बात करें तो आपका ईस्ट फेस आपका पूर्व दिशा में एंट्रेंस रहेगा। बजट भी बहुत कम बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने मात्र 6 से 8 लाख रुपये आपकी इसकी बिल्डिंग कॉस्ट आएगी, उससे कम ही रहेगी। ठीक है, बात करें आपके आउटर वॉल के सेक्शन की तो आपके 9x9 इंच का सेक्शन डिज़ाइन किया गया है। अंदर के जितने भी बॉल्स हैं वो आपके रहेंगे 4 इंच के सेक्शन। ठीक है, 9 इंच का बाहर का बॉल रहेगा, 4 इंच का अंदर का बॉल आ जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस के बाद ये आपके सबसे पहले कॉलम के सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो कॉलम आपका फ्रंट में रहेगा 3 कॉलम, साइड में आपके 2 कॉलम, ये लास्ट में 3 कॉलम, यहाँ पर सेकंड में आपके ये 2 कॉलम, ये सेंटर में 2 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 12 कॉलम यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। एंट्रेंस करेंगे, पोर्च का सेक्शन मिलेगा, 11x6 फीट का लेंथ रहेगा, 9x1 फीट का आपका 9 फीट 1 इंच का आपका ब्रेथ का एरिया जाएगा। 2 व्हीलर पार्किंग आपका आसानी से हो जाएगा इसमें। यहाँ से अंदर चलेंगे तो आपको बैक में देखते आपको 8x6 फीट का एक किचन का एरिया मिल जाएगा। ये रेड कलर का आप स्पेस देख रहे हैं, ये आपका विंडो है किचन के, वेंटिलेशन के लिए मेन रोड पर ओपन होगा। यहाँ से आगे चलेंगे तो आगे आपको एक ओपन स्पेस मिलेगा यहाँ पे 3 फीट का, यहाँ पर आप पूजा रूम बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 फीट के एरिया में एक विंडो देख रहे होंगे आप, ये ड्राइंग रूम, ये आपका बेडरूम में ओपन होगा। यहाँ से अंदर चलेंगे तो बेडरूम का ये एरिया 11 फीट 8 इंच का लेंथ रहेगा, 9 फीट 1 इंच का आपका ब्रेथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपका स्टेयर का अप यहाँ से रहेगा। ठीक है, यहाँ से स्टेयर का अप रहेगा। आगे लास्ट में एक लेट बाथ का सेक्शन 7x5 फीट के एरिया में कॉमन लेट बाथ दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो लेफ्ट में एक 10x1 फीट का चौड़ाई का सेक्शन रहेगा, 11 फीट 1 इंच का आपका लेंथ का सेक्शन रहेगा, सेकंड बेडरूम यहाँ पे ये रहेगा। तो ये आपका 2 BHK हाउस प्लान विथ लेट बाथ, किचन, ड्राइंग रूम, सॉरी आपका ये 4th का सेक्शन और एक पूजा रूम के साथ यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, बिल्डिंग कॉस्ट मैंने आपको उसमें बता दिया, लगभग 6 से 8 लाख रुपए एज योर रिक्वायरमेंट है आपके। अगर इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती तो उसके अनुसार थोड़ा सा कॉस्ट वेरी कर सकता है। 16x16 फीट आपका ब्रेथ का एरिया था, 40 फीट आपका लेंथ का एरिया था। ठीक है, 2 BHK हाउस प्लान था, ऐसा और कोई प्लान उससे बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।